क्लास के पढ़ा है हाँ वही सब। तो अगर आपने ये पढ़ाई पढ़ी होगी तो ठीक है। तो सबसे तो आज मैं पढ़ रहा हूँ हाउसेस वी लिव इन, ठीक है। तो इसमें हमें घरों के, मैम ने मुझे ये दिया है, इसमें घरों के नाम लिखना बोर्ड पर। अभी मैंने फेविकॉल से चिपका दिया है पेपर से प्रिंट आउट करा के। तो जल्दी से हम लिखते हैं, जल्दी आओ। तो इसमें मैं लिखूंगा जल्दी से हाउस, एच ओ यू एस ई एस, हाउस हाउसेस कुछ लिखता है वो नहीं लगता, बस वो लगता है इसमें क्या बोलते हैं लिपाई मिट्टी की, मिट्टी इसमें सीमेंट तो लगता है नहीं तो स्ट्रॉन्ग हो गई, तो उसमें मिट्टी की लिपाई लगती है और बस ऊपर से लग जाता है। और फिर लगा देंगे हाउस, ओके। अब हाउस ऑफ आइस, हो गया कंप्लीट फाइनली। अब मैं अपना करूंगा इंग्लिश का वर्क, ये मेरी बुक और ये मेरी कॉपी, अब इसे रख देते हैं।
लिखा तो अपना इंग्लिश का वर्क। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना इंग्लिश का वर्क। तो अभी मेरे कैमरामैन ने पकड़ लिया। तो ये है इसमें व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो चलो जल्दी से ब्लू से चिपकाते हैं। इसमें मतलब करना क्या है ना कि जो नॉट रिस्पॉन्सिबल है उसे हमें कर देना है इधर हमें उसकी फोटो चिपका देनी है। मतलब फोटो नहीं है, एक वो है पेपर, ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है, उनको चिपका देना। और यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल है मतलब रिस्पॉन्सिबल अपना जिम्मेदारी। तो अभी ये है थ्रो ट्रैश नॉट अ फ्लोर, मतलब कूड़ा हमें अपने फ्लोर में नहीं फेंकना चाहिए। मतलब गंदी बात होती है ना ऐसे फैला हुआ जाता है। अपनी सिटी को अप्लाई करा करते हैं क्या उसे वही हम खिला देंगे। ये सब काम आपने करे होंगे ना तो कमेंट में बताओ। ऑब्वियसली करे होंगे। अब इसे प्रेस कर दो। ये भी बताना आप कि आप कौन सी क्लास में। अब हम देखेंगे फीडिंग योर पेट्स, मतलब आपके पास डॉग है कैट है तो आप उसे फीड मतलब खिलाते हो, ठीक है ना। तो ये होगा रिस्पॉन्सिबल, मतलब अच्छी बात है ना ये खिलाना। अब उसे हम यहाँ पे जल्दी से Keeping my dust neat, ठीक है। तो ये है तो मतलब उसे साफ करना, तो ये हो जाएगा रिस्पॉन्सिबल। इसे जल्दी से म्यूजिक कर लो। मैं भी सीख रहा हूँ, आप लोग भी सीख रहे हो ना, तो अच्छी बात है। और इसे चिपका देंगे हम अभी रिस्पॉन्सिबल में। तो बराबर बराबर हो गया दोनों में, यहाँ पे दो यहाँ पे दो। अब हम सेकंड पे करते हैं लीविंग टावल ऑन द फ्लोर, मतलब टावल को नीचे नहीं फेंकना चाहिए ना। तो ये आएगा नॉट रिस्पॉन्सिबल में। इसे हम जल्दी से कर देते हैं। ओहो चिपक गया। ये हो गया। तो इसमें तीन हो गए, इसमें दो हो गए। हाथों पे ना ग्लू लग गया एकदम खतरनाक, तो छुटा देते हैं जल्दी से। ये तो हो भी जाएगा बाद में। इसमें लिखा है वॉचिंग योर बेबी ब्रदर। हाँ तो ठीक है, ये है वॉचिंग योर बेबी ब्रदर, ठीक है। मेरा भाई तो मेरी केयर नहीं करता। हाँ अब जल्दी से इसे पेस्ट कर देते हैं।
और एकदम ठीक से पढ़ना चाहते हो तो मतलब ऐप से मत पढ़ा करो, ठीक है? ऐप से नहीं, अपने ब्रेन से पढ़ा करो। ब्रेन से पढ़ोगे तो ब्रेन पे जोर पड़ेगा और दिमाग में आपकी किताबें किताबें रहेंगी और फिर आप टॉप कर दोगे क्लास में, टॉप टॉप, ठीक है ना? टॉप। क्लीनिंग अप योर मैसेज, ठीक है? मतलब कचरा फैला के उसे साफ कर दीजिए, ये आप देख लीजिए। ओके, तो अब हम इसे जल्दी से रिस्पॉन्सिबल में कर देंगे, क्योंकि गंदी बात अच्छी बात है, ठीक है ना? ये रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, ये गंदी बात तो नहीं, इसलिए क्योंकि मैंने अभी कचरा फैलाया उसे भी साफ करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि ये साफ करते हैं। चिपक गया ना, बहुत घटिया लग रहा है मुझे, मुझे ना ये ग्लू से बहुत चिड़ है। छी, बहुत से बच्चे तो ये करते हैं, गंदी करते देखता क्या, वो नॉट रिस्पॉन्सिबल। देखो ये हाथ में ग्लू लगा के पूरा ऐसे ऐसे लगा देते हैं और फिर ऐसे छुटाते हैं, मतलब क्या है ये, कुछ भी। चिपक गया है तो गाइस ये मेरा हो गया कंप्लीट। अब जाके स्कूल में जाके इसे सबमिट करना है, अभी हिंदी का भी बचा है वो आप बोल हो जाओगे देखते रहो। तो गाइस हो गया मेरा होमवर्क पूरा, तो अभी और थोड़े से हिंदी का मुझे करना है होमवर्क। तो आज तक के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे भाई और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर इस वीडियो को जरूर कर दीजिएगा अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, ठीक है? तो आपके लिए लाता रहूँगा मैं नदर वीडियोस, अब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।